हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम, व्हाट शुड बी टेकन अवे का मतलब उसमें से मतलब माइनस किया जाना, माइनस टेकन अवे फ्रॉम यानी इसमें से क्या माइनस किया जाए कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें ये भी माइनस का ही क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं, ऐसे इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20, और इसमें से सबट्रैक्ट किया जाना है, तो ये क्या रहेगा, माइनस x² माइनस y² प्लस के 6xy और प्लस के 20। ठीक है, इसको हम जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या रहेगा, 3x² माइनस के 4y² प्लस के 5xy। ठीक है, उसके बाद प्लस के 20। अभी इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का x² हो गया, प्लस का y² हो गया, माइनस के 6xy हो गए और माइनस के 20 हो गए, सारे साइन चेंज कर दिए। अब हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 3x², अभी x² की टर्म और देख लेते हैं कहाँ से, ये है x² की टर्म, तो ये प्लस का x² हो गया। अभी y² वाली टर्म देख लेते हैं, तो माइनस के 4y², तो ये हो गए, और प्लस का y² ये हो गया, y² का भी हो गया। अभी एक्स वाई को देख लेते हैं, 5xy, ये तो हो गया आपका 5xy प्लस का, और ये माइनस के 6xy। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को देख लेते हैं, तो ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 3x² प्लस x², तो कितने हो गए ये, 4x². अभी माइनस के 4y² और प्लस के y², तो माइनस के क्या आएंगे, माइनस के 3y². अभी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ पे, तो एक्स वाई तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस के 5 है और माइनस के 6 है, तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 4x² माइनस 3y² और माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 6 क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट देख लेते हैं। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सबट्रैक्ट, ठीक है, इसके और इसके सम में से ये माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, उसके बाद इसको माइनस कर लेते हैं, तो या फिर इसको एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आंसर अपना लिख लेते हैं, यहाँ से फ्रॉम द सम ऑफ, ये है और ये है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3x माइनस वाई प्लस 11 और प्लस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई और माइनस 11। ठीक है, और सबट्रैक्टेड फ्रॉम, अब इसमें से क्या करना आपको, ये माइनस करना है, 3x माइनस वाई और माइनस 11। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 1, सॉरी प्लस 11 है, और ये माइनस के वाई हो जाएंगे, यहाँ से इसको जब सोल्व करते हैं और माइनस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका तो कुछ करना नहीं है पे, अभी इस ब्रैकेट से पहले माइनस आए तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस 3x हो गया, प्लस के वाई हो गए और प्लस के 11 हो गए। अभी देख लेते हैं, यहाँ से ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x है, तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी वाई है और यहाँ पर वाई है, तो माइनस का वाई और माइनस का वाई, तो कितने हो गए, माइनस के 2y हो गए। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे ये वाई है और ये वाई, इसको कट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 11 है। ठीक है, ये भी कट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, ये माइनस का वाई बच गया और ये प्लस का 11 बच गया, प्लस का 11 बच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ से माइनस का वाई है और ये प्लस का 11 है। अब स्टूडेंट्स हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया गया, यहाँ से फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x² सबट्रैक्ट द सम ऑफ, इन इसका और इसका सम है, इसको माइनस करना है इसके और इसके सम में से। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका, इन दोनों का सम कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या करते हैं, यहाँ से आंसर अपना लिखना है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 4 प्लस 3x और प्लस करना है, तो यहाँ पे 5 माइनस के 4x और प्लस 2x². ठीक है, इसको यहाँ से जब सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 2x² तो ऐसे कैसे रख लेता हूँ मैं, सबसे पहले 2x² रखा मैंने। अभी x को देख लेते हैं, प्लस का 3x है और माइनस का 4x है, तो क्या आएगा, माइनस का x आ गया। अभी कॉन्स्टेंट टर्म को देख लेते हैं, 5 और प्लस 4, तो कितने हो गए, प्लस के 9, एक तो ये आ गया।
इसमें से माइनस करना है, ठीक है। दूसरा अब इनका सम कर लेते हैं, 3x² माइनस के 5x, और फिर माइनस x² प्लस के 2x और प्लस के 5, ठीक है। ये मैंने इन दोनों को सीधा सीधा ऐड करके लिखना शुरू कर दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो ये x² और x² देखते हैं तो x² तो रहेगा ही रहेगा, 3 प्लस के और माइनस का 1 है तो ये 2x² आ गए। अभी x x का देख लेते हैं, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो माइनस के कितने आएंगे, 3x आ गए, और ये प्लस के 5 आ गए। ये दूसरे नंबर पे है उनका, इसका और इसका सम आ गया है। अभी इन दोनों को माइनस करना है, तो ये पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 2x² माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है, और इसमें से क्या माइनस करना है, 2x² माइनस 3x और प्लस 5, ये माइनस करना। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2x² माइनस एक्स प्लस 9, इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है ना, तो क्या रहेगा इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के 2x हो गए, ओहो ये 2x² है यहाँ पे, 2x² है यहाँ पे, तो ये 2x² माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3x और प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं आगे क्या आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका जो माइनस साइन इस पर गया, तो ये माइनस को हो गया, ये प्लस का हो गया, ये क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसमें, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा इस पर, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ से 2x², ये प्लस का, ये माइनस का है, ये तो ये कैंसिल हो गए। अभी क्या है यहाँ पर, 3x है और यहाँ पर माइनस का x है, तो 3x और माइनस का x, अभी प्लस के 9 है और माइनस के 5 है, तो 3x में से x गया तो कितने बच गए, 2x, और 9 माइनस 5 कितने होते हैं, प्लस के 4 होते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अपना कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं, तो होमवर्क में स्टूडेंट्स क्या करना, हमें सोल एक्सरसाइज 11.2 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 11.2 है फेयर नोटबुक में कंप्लीट सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।